नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। बिहार में सियासी उठापटक के बीच किशनगंज जिले के जदयू प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आगे की राजनीति क्या होगी। बताते चले कि जदयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी बीच किशनगंज जिले से जदयू प्रदेश सचिव ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। सुनिए डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने क्या कहा। लगातार वो रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ ही, तो ऐसे में उनके ऊपर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो क्या कर रहे थे जब आज इतने वर्षों के बाद ये भ्रष्टाचार उनको याद आया। सही बात है, आपने अपना सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कितने साल से आप क्या कर रहे थे, मैंने वही तो पूछा। कौन से केंद्रीय मंत्री है जो वहाँ से आने के बाद, दिल्ली से आने के बाद गाँव में रहता है? जाइए चेक कर लीजिए, सारा वो रिटर्न भरते हैं, सारा कुछ उनके सब कुछ तो सामने में है। सारे पेपर्स निकाल के देख लीजिए, कहीं भी आपको सब जगह जवाब मिल जाएगा। उनकी पत्नी अभी भी खेती करती है, किसानों की तरह जैसे रहते हैं, आज भी वो घर का पिसा हुआ आटा का खाना खाते हैं। आप जाके पता कर लीजिए, ऐसा मंत्री आपको मिलेगा नहीं जो इतना सादगी पूर्व इतनी सादगी से रहता हो। क्या लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत चरितार्थ कर रहे हैं जेडीयू के नेता? कह सकते हैं आप, ये परजीवी लोग आकर के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे केवल नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरा मुंह ही नोच दिया जा रहा है और वो खुद का मुंह नोच रहे हैं, ये भी बताने वाली बात है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जेडीयू में पूरी तरीके से टूट हो जाएगी, क्योंकि आरसीपी सिंह सर ने हमेशा जेडीयू को जोड़ने का काम किया था और आज आप देखिए खलबली मची हुई है। अगला मुख्यमंत्री कौन? अगला मुख्यमंत्री वही जिसे जनता ने चुना। आरसीपी सिंह जी अगला मुख्यमंत्री बिहार के होने वाले हैं, यानी क्या लग रहा है? दोनों में से कोई भी जिसे जनता प्यार देगी वो बनेगी मुख्यमंत्री। नीतीश जी बन सकते हैं, मैंने कहा तो जनता ने जिसे प्यार दिया वो मुख्यमंत्री। मेरे अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भूकंप और भूचाल आने वाला है, पर मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले भी ऐसा ही कहा गया था 2012 में, 2017 में, पर ऐसा जो भी हुआ उसके गवाह आप सब हैं। अब आपका सवाल मुझसे ये होगा कि मैंने जेडीयू में इस्तीफा तुरंत क्यों दिया, तो मेरा इस्तीफा देने का कारण ये था कि जो मेरे गॉडफादर थे आरसीपी सिंह सर जी, केंद्रीय मंत्री पूर्व स्टेट मिनिस्टर, उनकी वजह से उन्होंने महिलाओं का जितना उत्थान करने का काम किया है आज तक किसी ने भी नहीं किया। महिलाओं को इतनी जगह, बल्कि उन्होंने 33% वहाँ पर महिलाओं को जगह दी और 73 पोस्ट पर, पदों पर औरतों को उन्होंने बिठाया है बड़े पदों पर। तो जब हमारी आबादी 48.9% है इंडिया में और बाकी मर्दों की है, तो अगर हम आधी आबादी को जगह ही नहीं देंगे राजनीति में, तो आप कह सकते हैं कि हम बराबरी की राजनीति कर रहे हैं? और कैसे आपका देश आगे बढ़ेगा कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं जब आधी आबादी को आपने कोई जगह ही नहीं दे रखी है? क्या सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में आप महिलाओं को रखेंगे? उनको एक ओहदा दें, उनको एक जगह दें, उनको एक पोस्ट दें और तब देखें कि महिलाएं कैसे अपना काम बखूबी निभाना जानती हैं। मैम, आपको तो एक पोस्ट दिया गया था महिला नेत्री के लिए, आपको जो है प्रदेश में जगह दी गई। महिला नेत्री नहीं, मुझे बल्कि प्रदेश सचिव की जनरल विंग बनाया गया था। मैम, जब आपको जनरल विंग बनाया गया, आपको एक ऊंचा पद दिया गया, उसके बावजूद आप पद से इस्तीफा दे रही हैं, क्या कारण है? इस्तीफा देने का मेरा यही कारण है कि अगर आरसीपी सिंह सर जो मेरे गॉडफादर हैं, उनको पहले तो घर से पहले उनको राज्यसभा ली भेजा गया, इतने दिन से वो सारथी बने रहे कृष्ण जी की तरह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, फिर भी उनको वहां से राज्यसभा का टिकट नहीं मिला और उनको एक साल के लिए मात्र भेजा गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको रातों रात पटना का घर खाली करने के लिए कहा गया, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनको अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। आप मुझे बताइए कौन केंद्रीय मंत्री दिल्ली से आकर के गांव में बैठता है, गांव में रहता है? आपने मुझे ना बताइए, अगर आप लोग तो पत्रकार हैं ना, किसी को जानते हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हो और वहां दिल्ली से आकर के सीधा गांव में रहता हो, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है? अब तो बेइज्जती की हद हो गई ना। तो इसीलिए जब मेरे गॉडफादर को इस तरीके से किया गया, जो महिलाओं को उत्थान करने का काम करते थे, जब वो ही पार्टी में नहीं रहेंगे तो बाकी लोग तो हमें देखेंगे तक नहीं, हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी। मैम, मेन सवाल है आरसीपी सिंह और डॉक्टर तारा श्वेता आर्या का इस्तीफा देने के बाद ही सरकार में उथल पुथल शुरू हो गया है, 11 को सरकार राजद और जदयू बनाने जा रही है।
जी हाँ, मैं आपको इस पर भी थोड़ा संदर्भ दे दूं कि मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने देखना बहुत अच्छी बात है, देखें जरूर देखें, पर साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी भी कुछ चुप नहीं बैठने वाली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कह दूं कि जहां तक ये लोग इसे जातीय जनगणना का नाम दे रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, हमें भी पता है कि मीटिंग किस लिए हो रही है, पर ये सब मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने हैं और ये देखते रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल जो आप भगदड़ देखेंगे, क्योंकि हर कोई आरजेडी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, आप सोचते हैं कि हर विधायक आरजेडी का जेडीयू का जाके आरजेडी में एडजस्ट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, सैकड़ों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है अभी तक जेडीयू से आरसीपी संघ सर के लिए, और अब अगला कदम क्या होगा ये भी देखने वाले। आपका अगला कदम क्या होगा मैडम? तारा सोता क्या भाजपा में शामिल होंगी? जी मैडम, ये सवाल सबके मन में है। जी थोड़ा सरप्राइज रहने दीजिए, तो तब तो मजा आएगा, थोड़ा सरप्राइज कुछ रहे तभी तो अच्छा लगेगा।